हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय हिंदी ज्ञान बोध यूट्यूब चैनल। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन और टीचिंग असिस्टेंट पोस्ट की रिक्रूटमेंट निकली हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 34 मल्टीपल सब्जेक्ट हैं, जिसमें सब्जेक्ट देखिए बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डोगरी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल साइंस, फूड साइंस, टेक्नोलॉजी, जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिंदी। यहाँ पे देखिए हिंदी की भी पोस्ट है 16 नंबर पे। हिस्ट्री, होम साइंस, लाइब्रेरी साइंस, म्यूज़िक वोकल, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंटल, मैथमेटिक्स, पर्शियन, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, पंजाबी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल साइंस, फिजिक्स, संस्कृत, सोशोलॉजी, स्टैटिस्टिक, उर्दू और जियोलॉजी। 34 सब्जेक्ट हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो क्वालिफिकेशन चाहिए, यहाँ पे मास्टर डिग्री में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए और असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास नेट है, स्लेट है या पीएचडी है। इन तीनों में से अगर आपके पास कोई भी डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टर्बन और डिफरेंट एबल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 50% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री में। उसके बाद टीचिंग असिस्टेंट के लिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए और 50% के लिए यहाँ पे देखिए छूट दी गई है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टर्बन एंड डिफरेंट एबल कैंडिडेट के लिए। और लाइब्रेरियन फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए यहाँ पे नेट, स्लेट, पीएचडी विद 55% मार्क्स इन पोस्ट ग्रेजुएट इन कंसर्न सब्जेक्ट एमलेब एमपेड में 55% मार्क्स होने चाहिए और 50% मार्क्स शेड्यूल कास्ट के लिए होने चाहिए। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप 30 मई 2021 से 13 जून 2021 तक एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। ये इसकी वेबसाइट का लिंक है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जहां से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। नीचे आके हम देखेंगे इसकी टर्म एंड कंडीशंस। तो ये जो पोस्ट है यहां पे देखिए मेंशन किया हुआ है, ये प्योरली टेम्परेरी बेसिस पे है। ये एकेडमिक सेशन 21-22 सेशन के लिए पोस्ट है ये। उसके बाद नीचे यहाँ पे आएंगे तो जो मेन था मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म आप वही कैंडिडेट डाल सकते हैं। द एप्लीकेशन शुड बी डोमिसाइल ऑफ यूटी ऑफ जेके, तो जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट ही एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। बाकी की इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो थी मैंने आपको बता दिया। और इस एप्लीकेशन फॉर्म का जो फीस है यहाँ पे ऊपर मेंशन किया हुआ था 100 रुपीज़ है एप्लीकेशन फॉर्म फीस। तो ये थी एक छोटी सी अपडेट। तो इसी तरह आप हिंदी सब्जेक्ट से जॉब अपडेट और पीएचडी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई जॉब अपडेट को लेकर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।